ग्वालियर में एक रिटायर्ड फौजी के साथ प्रॉपर्टी डीलर ने धोखाधड़ी की है। फौजी ने 15 लाख रुपए में एक प्लॉट खरीदा था। जब वह उस पर अपना सपनों का घर बनाने पहुंचा तो पता लगा कि यह प्लॉट की रजिस्ट्री लेकर तो पहले ही कोई और बैठा है। ठगी का एहसास होते ही फौजी ने प्रॉपर्टी डीलर से अपने रुपए वापस मांगे, लेकिन उसने पहले आज कल की कहकर टरका दिया, फिर एक चेक थमा दिया। चेक बैंक में कैश ना होने पर बाउंस हो गया। घटना की शिकायत फौजी ने SP ऑफिस पहुंचकर की। मामले को जांच में ले लिया गया है। उपनगर मुरार के MH चौराहा के पास गली नंबर 2 निवासी 50 वर्षीय मंगल सिंह सेना से रिटायर्ड हैं। फौजी ने SP को शिकायत कर बताया है कि उनकी और उनकी पत्नी की जान पहचान प्रॉपर्टी डीलर पुरुषोत्तम यादव से थी। एक दिन पुरुषोत्तम यादव उनके घर आया और कहने लगा कि उसका एक प्लॉट ग्राम खुरैरी में पड़ा हुआ है और उसे बेचना है, आप चाहे तो उसे खरीद लीजिए। पुरुषोत्तम यादव को अच्छी तरह से जानते थे, इसलिए वह प्लॉट खरीदने के लिए तैयार हो गए। 15 फरवरी 2021 को रजिस्ट्री करने के समय पुरुषोत्तम यादव को 15 लाख रुपए की रकम नगद दे दी। जब मंगल सिंह खरीदे हुए प्लॉट पर मकान बनाने के लिए काम कराने पहुंचे तो उन्हें मालूम चला कि जिस प्लॉट की रजिस्ट्री पुरुषोत्तम यादव ने उनको की है, वह प्लॉट पहले किसी और को बेच दिया गया है। फौजी ने जब पैसे वापस मांगे तो प्रॉपर्टी डीलर पैसे आजकल में लौटाने की कहकर चेक थमा दिया। फौजी ने अपना चेक बैंक में लगाया था, वह बाउंस हो गया। फौजी ने अपने पैसे वापस करने का दबाव बनाया तो वह रुपए वापस करने पर मुकर गया, जिस पर फौजी ने संबंधित थाने में शिकायत की तो कोई एक्शन नहीं लिया गया, इसलिए उसे SP ऑफिस आना पड़ा। पुलिस अधीक्षक अमित सांघी ने जानकारी देते हुए बताया कि एक सेना से रिटायर्ड फौजी ने शिकायत की है कि ठगों द्वारा उसके साथ किसी और को बेचे गए प्लॉट की रजिस्ट्री कर लाखों रुपए की धोखाधड़ी की है। फौजी की शिकायत पर मामले की जांच करने के लिए थाना प्रभारी को आदेश किए हैं। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर कार्यवाही की जाएगी। मेरी ये है कि पुरुषोत्तम यादव है जो प्लॉटिंग का काम करता है हमारे पास, उसके लिए तो बोला आप मुझे पैसा दे दो, मैं आपको थोड़े दिन में वापस कर दूंगा। तो हमारी मिसेज ने उसको पैसा दे दिया, तो पैसा भी नहीं दिया, प्लॉट के लिए पैसा लिया, वो पंजी रजिस्ट्री कर दिया मुझे या वहाँ पर, तो उन लोगों ने न्यू भर लिया और एक उस प्लॉट को 200 भेज दिया। प्लॉटों में ठगी करते थे लोगों के साथ, कई फौजियों के साथ पहले भी कर चुके हैं। मतलब इस प्लॉट के 15 लाख रुपये ले चुके हैं जो फर्जी रजिस्ट्री किया हुआ है। और SP ऑफिस में आया था शिकायत करने के लिए, पहले भी आया था, अभी फिर आया था। तो अभी SP साहब ने आश्वासन दिया है कि मैं आपके जो FIR कराऊंगा।